निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर फीस ली जा रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। चित्तौड़ में जिला अभिभावक संस्थान के सदस्यों ने जिला बंद का आह्वान किया, लेकिन वह बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। अभिभावक संस्थान के तत्वावधान में सोमवार को निजी स्कूल संचालकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से जबरन फीस वसूली का विरोध किया गया। अभिभावकों ने आधे दिन चित्तौड़गढ़ बंद रखने का आह्वान किया था, जो कि बिल्कुल बेअसर साबित हुआ। इस बंद को चित्तौड़गढ़ के व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन नहीं दिया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर जबरन फीस वसूली नहीं करने का आग्रह किया। स्कूल की फीस जो कुछ निजी शिक्षण संस्थान है वो अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं और अभिभावकों को हर माह हर दिन फोन करके स्कूल फीस की डिमांड कर रहे हैं, कोरोना काल की फीस डिमांड कर रहे हैं। साथ ही जो उनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ऑनलाइन शिक्षा में भी उन्होंने अर्ध ज्ञान बच्चों के है, अर्ध ज्ञान में भी उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दिया है। अभिभावक उससे संतुष्ट नहीं है। साथ ही जिन्होंने अभिभावकों ने फीस जमा नहीं कराई है उनको ऑनलाइन शिक्षा के बहाने टीसी दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आज अभिभावक सभी जिले के सभी अभिभावक, सभी समाज वाले अभिभावक बंधु, सर्व समाज द्वारा यहाँ कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया जा रहा है और उनसे मांग की जा रही है कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा हर बार फीस को स्थगित करने का आदेश दिया जाता है। हम मांग करते हैं कि उनका आदेश स्थगित नहीं करते, अभिभावकों को राहत प्रदान करें और फीस में छूट दें और उनको अभिभावकों को इसके लिए निजात दिलावें।